ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल इक्वल हो गया, सीमलेस सिलाई दिख रही है। इधर देखें, ये उल्टी तरफ बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों पल्ले अलग अलग थे। ये सिला सिलाई मतलब लास्ट फंदा जो है, इसको आप जो इधर ये खुलने ना पाए, इसलिए इसमें से लेके इधर से आप इधर से ऐसे करके इसे एडजस्ट करके टाइट कर दीजिए। स्वेटर बनाना जितनी बड़ी कला है, उसकी फिनिशिंग भी उतनी ही कला है। अभी देखिए पीछे के गले फंदे बचे, ये पीछे का फंदा थोड़ा कम है तो इसमें हम फंदे बढ़ा लेंगे। और ये वी शेप का स्वेटर है जैसा दिखाई दे रहा है ये आपको। अब यहाँ से फंदे उठाएंगे, ये चार सिलाइयों से स्वेटर गले बनेगा, एक सिलाई इधर से, एक इधर से, और ये फंदे इधर है। आपको दिखा समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गले के फंदे उठाना बताऊंगी। स्वेटर सिलते समय कई बातों छोटी छोटी, जैसे ये देखिए ये रेशे जो ऊन के छोटे टुकड़े, कोई इधर सब निकला हुआ है, इसको सिलाई करते समय स्पेशली इनको अंदर ऐसे पिरोना होता है कि स्वेटर बिल्कुल पीछे से आगे से हर तरफ से फिनिश्ड दिखाई। आप अगले वीडियो में मैं आपको गले के फंदे उठाना बताऊंगी। इंजॉय योर निटिंग, थैंक यू। ये कंधा है, जोड़ दिए, ये कंधे जोड़ दिए गए। अब उसके बाद ये पूरा यहाँ से दोनों पल्लों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ से ऐसे फंदे चढ़ाने थे, जो कंधे के फंदे बनते हैं। फंदे कैसे चढ़ाने होते हैं ये मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जो जहाँ फंदे घटाए थे, आपको ये सिलाई इसके अंदर, ये जो फली सी दिख रही है, इसके अंदर ऐसे सुई घुसाते हैं, सिलाई घुसाएंगे। और क्योंकि मैंने ग्रीन कलर से बॉर्डर बनाया है, तो मैं यहाँ कंधे के फंदे भी ग्रीन कलर से ही बॉर्डर बनाऊंगी। अब आप इसको ऐसे करके ये निकालना, एक फंदा, फिर ये दूसरी फली के अंदर से घुसा के, आपको फलियाँ दिख रही हैं, ये जो इसकी फलियाँ हैं, इसके अंदर से फंदे घुसाने। तीन, चार, हर फली में से एक फंदा। कई बार क्या होता है कि फंदे कम भी पड़ने लगते हैं तो हम बाद में फंदे बढ़ा भी लेते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो हमारा बॉर्डर होता है, इसको दोहरा करके देख लेते हैं, जितने फंदे होते हैं उतने ही कंधे पे, यहाँ पे फंदे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कवर करना, ये एक बच्चे का स्वेटर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें मैं 80 फंदे चढ़ा रही हूँ। लेकिन एक जेंट स्वेटर में नॉर्मली 110, वो आपकी 110, 100 इतने सफिशियंट होते हैं। मैं ये देखिए, ये फली, इसके अंदर सिलाई घुसाई, ये आपका ऊन, यहाँ ऐसे लपेटा ऊपर से इसको, और अंदर से ऐसे करके जैसे क्रोशिए का धागा निकालते हैं, ये ऐसे एक फंदा, दो फंदा। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर स्वेटर में फिनिशिंग ना हो तो वो फुहड़पना सा दिखता है और अच्छा नहीं लगता। फिर उसका जितना शो लुक है, सोवरनेस है, वो खराब लगती है स्वेटर में फिनिशिंग नहीं हो तो। इसी तरह से करके बहुत ज्यादा पास भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, इक्वल दूरी पे फंदे ऐसे उठाते हुए आप पूरे यहाँ से यहाँ तक, पूरा इस एंड से इस एंड तक आप उठा लेंगे। फिर उसको जैसे आपने यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा नीचे बॉर्डर बनाया था, उसी तरह से दो अंगुल का बॉर्डर बनाएंगे। आपको मैं एक बार और बताती हूँ, इस फली के अंदर से ऐसे फंदे घुसाया और ये ग्रीन वाले धागे को सलाई पे ऊपर से लपेटा, इसके नीचे से गिला निकाल के, ये आप ऐसे फंदे खुद कोशिश करिए। कोशिश करते करते आप बनाते बनाते खुद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंजॉय योर निटिंग। नेक्स्ट टाइम आपको मैं गले के फंदे उठाने के साथ मिलती हूँ। थैंक यू।